सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल एग्जाम टॉपर्स को सब्सक्राइब कर लाइक बटन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं संदीप झा आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम टॉपर्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय नोबेल पुरस्कार के बारे में जानेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, यह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है एवं इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यह पुरस्कार अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की याद में दिया जाता है। यह पुरस्कार कैसे प्रारंभ हुआ जानते हैं। यह पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की याद में दिया जाता है। दिसंबर 1896 में मृत्यु के पूर्व अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया। उनकी इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी एवं फायदेमंद, अर्थात जो लोगों की सेवाओं में पाया जाए। स्वीडिश बैंक में जमा इसी राशि के ब्याज से नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान एवं अर्थशास्त्र में सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। दोस्तों, प्रत्येक पुरस्कार का एक अलग समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस भौतिकी, अर्थशास्त्र और रसायन में, कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट औषधि के क्षेत्र में, नॉर्वेजियन नोबेल समिति शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान करती है एवं प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक मेडल, एक डिप्लोमा, एक मॉनेटरी अवार्ड प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, क्या है नोबेल फाउंडेशन, इसके बारे में। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई थी तथा 1901 से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाने लगा। इसका उद्देश्य नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन करना है। नोबेल फाउंडेशन में कुल 5 लोगों की टीम होती है जिसका मुखिया या जिसका हेड स्वीडन की किंग ऑफ काउंसिल द्वारा तय किया जाता है एवं अन्य 4 सदस्य पुरस्कार वितरक संस्था के ट्रस्टियों द्वारा तय किया जाता है। स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार सम्मान समारोह का मुख्य आकर्षण होता है कि सम्मान प्राप्त करने वाला व्यक्ति स्वीडन के राजा के हाथों यह पुरस्कार प्राप्त करता है, जो कि काफ़ी गौरवान्वित करने वाला होता है। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कारों की एवं इसके विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन इसका वितरण इनकी पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। दोस्तों, अब हमारे लिए यह भी जानना जरूरी है कि अल्फ्रेड नोबेल कौन थे और इनकी क्या पूरी हिस्ट्री रही है। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म 1833 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। 9 वर्ष की आयु में वह अपने परिवार के साथ रूस रहने के लिए चले गए। नोबेल जब 18 साल के थे तो उन्हें रसायन की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा गया, जहां उन्होंने काफ़ी खोज किए। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की। नोबेल ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कुल 355 आविष्कार किए थे, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या में हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नाम और पैसा उन्होंने तब कमाया जब 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया। अपनी ज़िंदगी में नोबेल ने कभी भी शादी नहीं की, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों। 10 दिसंबर 1986 को दिल का दौरा पड़ने से इटली में उनका निधन हो गया। दोस्तों, ये हमने पूरा इनके बारे में जाना। इसी के साथ एक छोटी सी कड़ी यह भी जुड़ी हुई है कि पहले यह अवार्ड सिर्फ 5 क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन बाद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी यह प्रदान किया जाने लगा, जिसके बारे में जानते हैं। 1895 की जिस वसीयत के तहत 1901 में इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई, उसमें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए किसी पुरस्कार का जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अपनी 300वीं वर्षगांठ पर इनकी याद में यह पुरस्कार प्रदान किया। अर्थशास्त्र का पहला नोबेल 1969 में नॉर्वे के रेगनर एंथोन किटिल फ्रिश और नीदरलैंड के यान टिरबेरगेन को प्रदान किया गया। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि किन किन भारतीयों को यह पुरस्कार मिला है। सबसे पहले बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की। दोस्तों, देश के पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में यह प्रदान किया गया था। वे प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार थे। 1913 में जब उन्हें यह सम्मान मिला
तो वे ये पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। सेकंड नंबर पर आते हैं सीवी रमन। दोस्तों आप सभी ने नाम सुना ही होगा, देश के महान वैज्ञानिक सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। डॉक्टर रमन ने अपने अनुसंधान में इस बात का पता लगाया कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तब उसकी वेवलेंथ अर्थात तरंग की लंबाई में बदलाव आता है, जिसे रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हरगोविंद खुराना जी। भारतीय मूल के वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना को 1968 में मेडिसिन के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं मदर टेरेसा। दोस्तों इनका नाम तो आप सभी ने अच्छे से सुना ही होगा। अल्बानिया मूल की मदर टेरेसा ने कोलकाता में गरीबों और पीड़ित लोगों के लिए जो किया वो दुनिया में अभूतपूर्व माना जाता है। ये अपनी मृत्यु तक कोलकाता में ही रहीं और आज भी उनकी संस्था गरीबों के लिए काम कर रही है। वर्ष 1979 में शांति के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी, जिन्हें 1983 में सितारों की आकृति और सितारों का निर्माण कैसे हुआ, इस शोध के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं अमर्त्य सेन। भारतीय मूल के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को उनकी पुस्तक द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन के लिए यह अवार्ड दिया गया। वर्ष 1998 में यह प्रदान किया गया और यह उस समय से काफ़ी चर्चा में रहे। नेक्स्ट बात करते हैं वीएस नायपॉल की। वीएस नायपॉल के उपन्यासों में भारत को काफ़ी महत्व दिया गया, लेकिन भारत को लेकर उनका नज़रिया काफ़ी विवादित रहा। 2001 में साहित्य के क्षेत्र में उन्हें यह अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं वेंकट रामाकृष्णन की। भारतीय मूल के वेंकट रामाकृष्णन का जन्म मदुरई में हुआ था। वर्ष 2009 में राइबोसोम के स्ट्रक्चर और कार्यप्रणाली के क्षेत्र में शोध किया, जिसके चलते इन्हें केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं कैला सत्यार्थी जी की। ये भारत के अंतिम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता हैं। वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार कैला सत्यार्थी जी को प्रदान किया गया। उन्हें बच्चों के लिए किए गए काम को देखते हुए यह प्रदान किया गया। इनका जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। दोस्तों पहले पार्ट में हमने जाना कि नोबेल पुरस्कार की पूरी क्या कहानी है और यह किन किन भारतीयों को प्रदान किया गया। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि वर्ष 2018 में किन किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा कंटेंट पसंद आया होगा, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।